अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आजकल हर तरफ फीफा वर्ल्ड कप की बात चल रही है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जीसीसी कंट्रीज में हो रहा है कतर में, और चूंकि ये एक बहुत बड़ा मेगा स्पोर्ट्स इवेंट है और जीसीसी कंट्रीज में और इसके नेबरिंग कंट्रीज में इसकी बहुत सारी एक्साइटमेंट है, बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप की आप टिकट कैसे हासिल कर सकते हैं और टिकट के थ्रू आप कौन कौन से बेनिफिट्स ले सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया से जो फैंस हैं अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए फीफा वर्ल्ड कप की टिकट्स परचेज कर रहे हैं, और चूंकि बहुत कम टिकट्स अवेलेबल हैं बहुत ही लास्ट मोमेंट्स के ऊपर, क्योंकि पहले इसकी टिकट सेलिंग कैंपेन्स चलती रही हैं 2-3 दफ़ा डिफरेंट फेजेस में। तो अभी क्विकली हम चलते हैं फीफा की जो टिकटिंग वेबसाइट है उसके ऊपर और देखते हैं कौन कौन से मैचेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे ही आप कतर की जो ये मेन वेबसाइट है इसके ऊपर आते हैं तो इसमें तीन स्टेप्स मेनली नजर आएंगे। स्टेप नंबर 1 में आप टिकट परचेज कर रहे हैं, स्टेप नंबर 2 में अपनी अकोमोडेशन आप बुक कर रहे होंगे, और स्टेप नंबर 3 में जो हया कार्ड है वो आप हासिल करने के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। सबसे पहले हम इंटरनेशनल फैंस के ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप जिस लैंडिंग पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको सारे मैचेस की लिस्ट नज़र आ जाएगी, और बहुत सारे मैचेस हैं जिनके आगे आप देख रहे हैं कि करंटली अनअवेलेबल है या लो अवेलेबिलिटी है। आप यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं डिस्प्ले ओनली अवेलेबल मैचेस, तो उन मैचेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपनी जो फेवरेट टीम है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो मेजर टीम्स के मैचेस हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं उस फेस्टिवल में, उस एनवायरनमेंट में उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप कोई भी टिकट जो है वो इस वक्त परचेज कर सकते हैं जो भी आपको मिले। फॉर एग्जाम्पल हम ये एक मैच है सर्बिया वर्सेज स्विट्जरलैंड, इसको हम क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल हैं। तीन कैटेगरीज की टिकट्स हैं। सबसे महंगी जो टिकट है वो 800 कतरी रियाल्स की है, और उसके बाद 600 और 250 कतरी रियाल्स की, या सऊदी रियाल्स आप बात कर सकते हैं। तो इस वक्त चूंकि 800 की अवेलेबल यहाँ पे अवेलेबिलिटी शो हो रही है, तो हम 800 वाली टिकट को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्दर नेक्स्ट आगे क्या स्टेप करना पड़ेगा। जैसे ही आप टिकट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि आप इसको ऐड टू बैग करें और पेमेंट जो है वो प्रोसेस करें। और जैसे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करेंगे और पेमेंट अपनी प्रोसेस करेंगे तो ये विद इन फ्यू मिनट्स आपकी जो टिकट है वो आप परचेज हो जाएगी। आपने जो उसके अंदर ईमेल प्रोवाइड की होगी उसके ऊपर आपको ईमेल भी रिसीव हो जाएगी, और इस टिकट की बेस के ऊपर आप फर्दर अकोमोडेशन वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अकोमोडेशन के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके ऊपर एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप जो अच्छी अकोमोडेशन या चीपेस्ट अकोमोडेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, और उस अकोमोडेशन के बाद जो थर्ड स्टेप होगा उसमें आप हया कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, और उस हया कार्ड की बेस के ऊपर आप कतर में एंटर हो सकते हैं, और उस कार्ड की बेस के ऊपर आप 4 मजीद कंट्रीज़ के अंदर, यानी टोटल 4 कंट्रीज़ के अंदर आप वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। हया कार्ड आप कैसे हासिल कर सकते हैं या आप अकोमोडेशन कैसे रिजर्व कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जो यहाँ सऊदी अरेबिया से प्लान कर रहे हैं कतर जाने के लिए, चूँकि यहाँ से जाना बहुत ईजी है, बाई रोड आप जा सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने रूल्स बिल्कुल चेंज कर दिए हैं। आप यहाँ से वाया लैंड कैसे क्रॉस करेंगे इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल के ऊपर, आप वो भी जाके देख सकते हैं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और चैनल के ऊपर आप देखेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड वीडियोज़ आ रही हैं अनकरीब नियर फ्यूचर में, और बाकी जो लोकल इवेंट्स या ट्रैवल की वीडियोज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।